नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस उपकरण के माध्यम से शिक्षक कंप्यूटर की स्क्रीन को दीवार पर दर्शा सकता है, यानी किस उपकरण के माध्यम से शिक्षक कंप्यूटर की स्क्रीन को दीवार पर दर्शा सकता है, यह बताना है हमको। ए ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या TFT। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से दीवार पर उसको कंप्यूटर की स्क्रीन को दीवार पर दर्शाया जा सकता है, तो यह होता है प्रोजेक्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। और कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, या पितामह कौन है, चार्ल्स बैबेज। और प्रिंटर कैसी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षक के द्वारा डिजिटल सामग्री के रूप में इस्तेमाल की गई PPT कि फुल फॉर्म क्या होगी, यानी कि PPT का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट पेन, पावर पॉइंट टेक्स्ट या फिर पावर पॉइंट तकनीक। तो PPT का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस डिवाइस के माध्यम से 3 डायमेंशन वाले चित्रों को देखने में सहायता मिलती है, यानी जो 3 डायमेंशनल्स होते हैं जैसे 2D 3D, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 2D 3D जो ज्यामिति से रिलेटेड होता है, मैथ्स के अंतर्गत आता है ये, तो वो उसको कैसे देखा जाता है, TFT, 3D मॉनिटर, LCD LED, तो ये होता है 3D मॉनिटर से इसको देखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस उपकरण का प्रयोग मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट बनाने में किया जाता है, कौन सा उपकरण है जिसका यूज मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट को बनाने में किया जाता है, प्रिंटर, स्कैनर, प्लाटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट बनाने में किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। आप लोग को बताना है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, अभी ऊपर के क्वेश्चंस पे हमने बताया हुआ है। एमएस वर्ड में ड्राइंग बनाने की सुविधा किसके माध्यम से दी जाती है, यानी जो एमएस वर्ड में ड्राइंग की जाती वो किसके माध्यम से सुविधा दी जाती है ये बताना है, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो या वॉइस। तो ये सुविधा दी जाती है ग्राफिक्स के माध्यम से, ए ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से स्क्रीन पर चलती किसी वस्तु की दिशा बदली जा सकती है, यानी किसके माध्यम से कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से चलती हुई वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है, यानी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक, ठीक है। और माउस आप लोग को बताना है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, माउस के साथ कीबोर्ड भी है, माउस और कीबोर्ड ये बताना है कि इनपुट डिवाइसेज हैं या आउटपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टर की स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, वॉलपेपर या प्रोजेक्शन स्क्रीन। तो प्रोजेक्टर की स्क्रीन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन स्क्रीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए तैयार करते हैं, प्रोजेक्टर, इमेज, कंप्यूटर, प्रिंटर। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए तैयार करते हैं, तो ये है प्रोजेक्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिजिटल शिक्षण सामग्री में क्या शामिल है, यानी जो डिजिटल शिक्षण सामग्री होती है उसमें बताना है क्या क्या शामिल है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट
ये सभी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है। कंप्यूटर बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 को ही हमेशा समझता है। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय? हमेशा मशीनी भाषा यानी निम्न स्तरीय भाषा को समझता है। और सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, विजुअल बेसिक, ये सभी कैसी भाषाएं हैं? ये उच्च स्तरीय भाषाएं या हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इंटरनेट आया हुआ है, तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इंटरनेट की खोज यानी इंटरनेट सबसे पहले किसने शुरू किया था, यानी किसने इंटरनेट को खोजा था, ये बताना, इन्वेंट किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किसकी सहायता से किसी घटना, भाषण या पाठ को बार बार रोक कर चलाया जा सकता है? वीडियो टेप, कंप्यूटर, माइक्रो टेप या इनमें से कोई नहीं? तो किसके माध्यम से इसको बार बार रोक कर चलाया जा सकता है? तो यह चलाया जा सकता है वीडियो टेप के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यानी ओ ई आर का फुल फॉर्म पूछा जाए कंप्यूटर में, तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इसमें अब सारे क्वेश्चन आप लोग को ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से ही मिलेंगे। ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट है, सुपर टेट का। 2001, 2002, 2003, 2004। तो ये ओ ई आर शब्द को कब प्रयोग में लाया गया था? ये लाया गया था 2002 यानी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? यूनेस्को, मॉचली, एकर्ट या बैबेज? तो इसका प्रतिपादन किया था यूनेस्को ने। ठीक है, आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन यानी फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है। मॉचली और एकर्ट ने किसको सबसे पहले स्टार्ट किया था, किसको खोजा था? कल भी पूछा था मॉचली ने किसकी किस खोज की थी, हमने लैंग्वेज का नाम बताया था, वही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ओपन स्कूल एजुकेशनल रिसोर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस, फ्रांस, लंदन या इंग्लैंड में? तो इसका आयोजन किया गया था सबसे पहले पेरिस में। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कॉन्फ्रेंस के का आयोजन कब किया गया था? 2011, 2010, 2012, 2013। तो इसका आयोजन किया गया था 2012 एंड 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? भारत द्वारा, यूनेस्को द्वारा, अमेरिका द्वारा या पेरिस के द्वारा? तो वैश्विक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को किसके द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था यूनेस्को के द्वारा। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में प्रयोग हेतु कौन कौन से तत्व शामिल हैं? पुनर्वितरण, वितरण, संसाधन का उपयोग या ये सभी? तो कौन कौन से तत्व शामिल हैं? ये सभी। पुनर्वितरण, वितरण, संसाधन का उपयोग, ये सारे शामिल हैं। इसमें राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे सोर्स को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सभी के लिए खुला हो तथा कोई भी व्यक्ति इसका निशुल्क उपयोग कर सकता है? प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स या इनमें से कोई नहीं? तो सब लोग यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओपन सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सोर्स में क्या आ जाएगा? गूगल आ जाएगा, गूगल का सब लोग यूज करते हैं ना। 18 क्वेश्चन, मुक्त अधिगम एक नवाचार, आंदोलन एवं शिक्षा सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई? अभी गूगल का नाम लिए हैं, तो गूगल के प्रेजेंट टाइम के सीईओ, जिस टाइम पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के करंट अफेयर्स और जीएसजी के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आ जा सकता है।
1970, 1950, 1960 या 2000? तो मुक्त अधिगम एक नवाचारी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1970 में। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, CAI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एक्सेस इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एक्सेस इंटरनेट या कंप्यूटर एक्सेस इनपुट। तो यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा CAI का फुल फॉर्म। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। ALU क्या होता है? अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ईमेल क्या होता है? ये इस तरीके से आता है लिख के, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। IT क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में OER की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय है जिसने इसकी शुरुआत की है? मुंबई विश्वविद्यालय, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और डी ऑप्शन पर है कानपुर विश्वविद्यालय। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मुंबई विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है OER। OER का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक सारे क्वेश्चन हमने किससे रिलेटेड पढ़े हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स थे, तो OER हो जाएगा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आज थे 21 क्वेश्चंस। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ में आप लोग हमारे चैनल का लोगो तो आप पहचानते ही होंगे। जैसे ही आप लोग यूट्यूब पे टारगेट क्लासेस विद हरीश सर सर्च करेंगे, वहां पे सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केंद्रीय विद्यालय PRT, DSSSB PRT, फिजिकल एजुकेशन TGT, PGT, यूपी लेखपाल, UP SSSC, ये सारी क्लासेस प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पे चल रही हैं, उनको वहां से आप लोग देख सकते हैं।